पंजाब फूड अथॉरिटी इन एक्शन। सीवरेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट के पानी से सब्जियां उगाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का दूसरा मरहला। 1300 कनाल पर जहरीले पानी से उगाई गई सब्जियां हल चलाकर तल्फ कर दी। लाहौर रीजन में 560 कनाल, रावलपिंडी 576 और मुल्तान में 144 कनाल जहरीली सब्जियों को तल्फ किया गया। डीजी फूड अथॉरिटी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान का कहना है कि बैंगन, कद्दू, बंद गोभी, पालक, आलू और प्याज आलूदा पानी से काश्त किया गया था। जहरीले मादे खुराक का हिस्सा बनकर मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बनते हैं। डीजी फूड अथॉरिटी का मजीद कहना था कि अगले मरहले में कवानीन की खिलाफवर्जी करने पर काश्तकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक महकमा ज़राअत आबपाशी और वासा के साथ मिलकर सीवरेज के पानी से आबपाशी रोकने के लिए पॉलिसी बनाई जा रही है। इमरान मलिक, लाहौर न्यूज़।